गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ। चैप्टर है नमक और लेखिका है रजिया सज्जाद जही। ठीक है, नमक, ये नमक कहानी उस समय का वर्णन है इसमें कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन होता है और विभाजन के समय जो लोग विस्थापित पुनर्वासित किए जाते हैं तो उनके हृदयों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी कि किस तरह से वे अपने पराए देश परदेश की तरह कई प्रचलित मतलब ऐसे धारणाएं और सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से किसी का लाहौर में जन्म होता है तो किसी का दिल्ली में होता है, लेकिन किस तरह से जो दीवारें हमारे वतन के बीच में लगी, हमारे बंटवारे के समय लगी, तो जहाँ तक भी है वे दीवारें भले ही लग गई हों किंतु हमारे दिलों का बंटवारा नहीं कर पाई। जो लाहौर के रहने वाले थे वह हमेशा जब तक जीवित रहे तब तक अपना वतन लाहौर को ही मानते रहे, और जो लोग दिल्ली के थे या तो वे भी अपना वतन दिल्ली को ही मानते रहे, भले ही कैसी भी दीवार जो हमारे बंटवारे के समय लगी, हमारे उस दीवार का की जो अड़चन थी वो कहीं भी दिल्ली या लाहौर के बीच में लगने के बाद भी हमारे दिलों में कभी नहीं लग पाई। ठीक है, इसी चीज़ को वो कहानी दर्शाती है। और मैं आपको संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी। रजिया सज्जाद जहीर। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब, जो उर्दू में कहानी संग्रह है इनका, ये जो इन्हें सम्मान से नवाजा गया है, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। इनकी का 18 दिसंबर 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये कहती थी कि हमारे जो दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की ही कथाकार थी, अर्थात कि उर्दू की ही कहानी इन्होंने लिखी है। उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण घर पर ही की थी और विवाह के बाद भी उन्होंने इलाहाबाद में उर्दू से एमए किया और 1947 में वे अजमेर लखनऊ आई और वहाँ उन्होंने करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में अध्यापिका के रूप में कार्य किया। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हो गई थी, क्योंकि उस समय इतना शिक्षित कोई जल्दी से महिलाओं को नहीं शिक्षा देता था। तो उस समय रजिया सज्जाद जहीर का इतना शिक्षित होना एक मायने रखता था। अब आपका चैप्टर है नमक। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी, वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, उनमें नेकी मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खिली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। सफिया कौन था? सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। मतलब कि एक हिंदू और मुसलमान किस तरह से अपने पड़ोसी होते हुए एक दूसरे का के साथ रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में, पूजा में, पाठ में शामिल होते हैं, यह भी बताया है उन्होंने। तो वे बताती हैं कि सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार में, मतलब पड़ोस में सिख परिवार रहता था, उसके यहाँ कीर्तन में गई थी। जो कीर्तन होता है, पूजा होती है भगवान जी की, उसमें
वहाँ वह सिख बीबी से, मतलब कि क्योंकि वहाँ कीर्तन सिखों के यहाँ था तो उससे बड़े ही प्रेम से मिल रही है। उसके मिलने में उसकी जो आँखों की चमक और उनके पहनने का जो ढंग कपड़े और उनसे मिलने का के लिए आतुर, अर्थात कि इतना प्रेम कि देखकर लोग हैरान हो जाए। उनकी ये जो नेकी है, उनके प्रति उनकी रहमदिली, मतलब कि उनका प्रेम और मोहब्बत जैसे कि उनकी के चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था। और जैसा कि मेरी अम्मा और लेखिका बताती हैं कि मेरी अम्मा ओढ़ा करती थी, वैसा ही वे मलमल का दुपट्टा ओढ़े हुए थी। जब उसे पता चला कि सुबह लाहौर जा रही है, साफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। जब उसे पता चला कि सुबह लाहौर जा रही है तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। ठीक है, वह आकर उसे लाहौर के विषय में पूछने लगी। तब उसने बताया कि मतलब लाहौर के विषय में क्यों पूछ रही थी, क्योंकि वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उससे अभी जुड़ी हुई थी। उसने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थी। उनका वतन तो जी लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के बाद साफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा कि आप लाहौर से क्या मंगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वह लाहौर जा रही थी तो उसने पूछा कि आप अपने वतन से क्या मंगाएंगी। क्यों? क्योंकि जो जिनके वहाँ वह कीर्तन में आई थी उनकी जो बहू थी वह लाहौर की थी। तब उसने पूछा कि आप लाहौर से कुछ मंगाना चाहती हैं। उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा, क्योंकि उस समय नमक पर पाबंदी हुआ करती थी, क्योंकि नमक हमेशा जो लाहौरी नमक होता है पहले यही खाया जाता था, किंतु जब अंग्रेज़ों के प्रति जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद और नमक का कानून बना, तब हमारे यहाँ ये नमक अपने आप बनाया जाने लगा दूसरा बार जो खाया जाता है, और फिर बंटवारे के बाद तो ये लाहौर में पहुँच गया था तो उसके कारण भी आना मुश्किल था। तभी वे कुछ हिचकिचाहट के बाद लाहौरी नमक लाने के लिए कहती है। वह लाहौर में 15 दिन रुकी। कौन? सफिया। सफिया लाहौर में 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने खूब उसकी खातिरदारी की, मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए और उसके सामने शेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। मतलब कि अब 1 किलो नमक वे कैसे लाए, क्योंकि बॉर्डर पर चेकिंग होती है, तो वो नमक लाना उसके लिए एक दुर्लभ काम था। पुलिस अफसर भाई ने उसे गैर कानूनी बताया। जब उसने नमक ले जाने की जो गुजारिश की कहा तो उसने उसका भाई जो पुलिस अफसर था उसने उसे गैर कानूनी बताया और तथा व्यंग किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। लेखिका इस पर झुंझला गई और नमक ले जाने की जिद की। फिर उन्होंने नमक को, जब उसके भाई ने ऐसा कहा तो उन्होंने नमक ले जाने की जैसे कि एक जिद पकड़ ली कि वे नमक अवश्य ले जाएंगे। ठीक है, भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया और कहा कि तुम बेइज्जती कराओगे, बेइज्जती होने का डर दिखाया। मतलब कि उन्होंने कहा कि तुम अगर ले जाओगी तो कस्टम ऑफिसर इसे पकड़ लेंगे और फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, वह प्रेम की चीज़ को शालीनता से ही ले जाना चाहती थी। अब जब उनके जो भाई लोग थे वे उन्हें कस्टम अधिकारियों का डर दिखा रहे थे, तब उसने कहा कि मैं इस नमक को चोरी से ले जाना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं इसे प्रेम पूर्वक, जो भेंट देना है मुझे तो मैं इसे प्रेम पूर्वक ही ले जाना चाहूँगी, शालीनता से ही ले जाना चाहूँगी। परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में उसे बताया कि हर समय हर उसमें या बॉर्डर पर तुम्हारी चेकिंग होगी और तुम ये नमक नहीं ले जा पाओगी। अंत में वह रोने लगी तथा भाई
सिर हिलाकर चुप हो गया। जब वह रोने लगी तो भाई भी उस विषय में कुछ नहीं बोल पाया और चुप हो गया। अगले दिन तो बड़े 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। किसे? सजीव साफियत को वहाँ से लाहौर से विदा होना था। लेकिन उसके मन में एक असमंजस था। ठीक है, असमंजस क्यों था? कि मुझे नमक ले जाना भी जरूर है और किस तरह से ये ले जाया जाए वह उसे अंदर ही अंदर परेशान भी कर रहा था। अगले रोज 2 बजे जब उसे निकलने की बात थी, रवाना होने की बात थी, तो सुबह के लिए उसे बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था। इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह निकलना है। तो उसने रात को ही पैकिंग करने की अपने मन में ठान ली थी, सोच ली थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। अपने आने के लिए, इंडिया आने के लिए वह सामान की पैकिंग करने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे समेट कर उसने अपने एक सूटकेस और बिस्तर बंद में बंद कर ली थी। बिस्तर बंद मतलब कि एक बहुत बड़ा पैकेट नुमा होता है, उसमें बिस्तर बंद बोलते हैं, उसमें सारा सामान आ जाता है बहुत ज़्यादा। सिर्फ दो ही चीज़ें रह गई थी। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, किन्नू क्योंकि वहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं पाकिस्तान में, तो किन्नू मतलब जो संतरा नुमा होता है उसका नाम किन्नू होता है, जो सर्दी में आता है। और एक दोस्त का अपने का तोहफा, एक जो उनसे मंगाया गया था नमक, एक अपने दोस्त का तोहफा। संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल माल्टे की तरह वह रंगीन और मीठा भी दिखाई देता है और संतरे की तरह वह नाजुक भी है। दूसरी तरफ नमक की पुड़िया। अब नमक की पुड़ियों के विषय में वह हर बार यही सोचती थी सफिया कि किस तरह से मैं इन्हें ले जाऊँ। जब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था, क्योंकि जो उसके भाई ने उसे समझाया था उसके प्रति उसका गुस्सा भी उतर चुका था, वह भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। मतलब कि गुस्सा शांत हो गया था, उसकी जो बुद्धि भी मतलब काम करने लगी थी। सोचने लगी कि मुझे नमक की पुड़िया तो ले जानी ही है, पर कैसे? अच्छा, अगर मैं इसे हाथ में ले लेती हूँ तो कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों में ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। ठीक है, अगर उन्होंने चेक करके उन्हें मना किया तो हम ठीक है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उसे उस वायदे का भी याद आता है कि मेरे उस वायदे का क्या होगा, कि जो मैंने उससे पूछा था क्या मंगाना है और उसने मेरे से कहा था कि नमक लाना है एक शेर। तो हमने अपनी माँ से फिर उस वायदे का क्या होगा जो हम अपनी माँ से किया था। उस समय उस अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने वालों के क्या मायने हैं। मतलब कि माँ से हमेशा कहा था कि जो हम वायदा करेंगे उसे कभी हम झुठलाएंगे नहीं, तो हमारे उन वायदों का क्या होगा जो हम अपने मन में धारण करके बैठते हैं कि हमें कभी जिससे वादा किया वो कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तब हमें जान देकर भी अपना वादा चुकाना होता है, मगर कैसे है? वे बार बार यही सोच रही थी। अच्छा, अगर इसे किन्नुओं की टोकरी में ही सबसे नीचे रख लिया जाए तो? किसके? सफिया के मन में आने लगा कि क्यों ना मुझे इसके किन्नुओं की टोकरी में ही छुपा लूँ मैं नमक, उसमें ही रख लिया जाए। फलों की टोकरियों में अगर नमक रख लिया जाएगा तो आराम से जा सकता है और इसे कोई चेक भी नहीं करेगा। ठीक है, नहीं किन्नुओं के ढेर में भला इसे कौन देखेगा, और अगर देख भी लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियों तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। तो उसके मन में आया कि जब फलों की टोकरियाँ थीं वे तो तब भी जब हम आ रहे थे तब भी नहीं चेक हो रही थी, इसलिए शायद ना देखा जाए। उधर से केले, उधर से किन्नू सब ही ला रहे थे और ले भी जा रहे थे। तो उसके मन में सवाल आया कि चलो यही ठीक है, मैं उसे किन्नू की टोकरी में ही ले चलती। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए और टोकरी खाली की और नमक की पुड़ियाँ उठाकर टोकरी के तह में रख दी। एक बार झांककर उसने
बुढ़िया को फिर से देखा और महसूस किया कि मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया है। कैसे प्यारे को, मतलब अपने जो छुपा दिया है, इस ढंग से छुपाया कि वे नहीं दिखाई दे रही हैं। उन्हें नमक की पुड़ियों को इस तरह से छुपाया। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़ियों को ताकती रही, मतलब देखती रही और कहानियों को याद करती रही और जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी। उनमें शहजादा अपनी शान चीर कर हीरा छिपा लेता है और देवों, खौफनाक भूतों, परेतों, राक्षसों आदि सबका सामना करता हुआ वह शरदों से पार गुजर जाता है। जो उसकी माता मम्मी ने उसे, अम्मा ने कहानी सुनाई थी, वह उसे याद आ रही थी। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर भी उस नमक को छिपा लेती। ठीक है, वो सोच रही थी कि यदि ऐसा होता तो मैं दिल चीर कर भी उस नमक को छुपाकर उसके इस पास तक ले जाती। उसने एक आह भरी, फिर वह किनुओं के एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़ियों के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर तक उसने जैसे कि उन्हें बिल्कुल छुपा दिया था। फिर वह अस्वस्थ हो गई, मतलब संतुष्ट हो गई और उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर सो गई। रात को तक वह करीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की जाली से आ रही थी और चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का पेड़ उसे सामने से दिखाई दे रहा था और पत्तियों की अक्ष लहरा रहे थे और किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, चौकीदार की सीटियों की आवाज़, सन्नाटा, यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे जो उसे बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी और नन्हे नन्हे भतीजी जी भी थे। उसने बड़ी मासूमियत से, जो सभी बच्चे पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, यहाँ हम लोग नहीं आ सकते, उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नेक नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। अब क्योंकि सफिया के जो बचपन था वह लाहौर में बीता था और यहाँ उसे आना ही था भारत, तो ये सारी चीज़ें उनके छोटे छोटे बच्चे बार बार उनसे वही सवाल करते कि आप पाकिस्तान में क्यों नहीं रहती, हिंदुस्तान में क्यों जाती हैं, तो क्या हिंदुस्तान हम क्यों नहीं आ सकते। ये सारी चीज़ें एक सवाल था, उन सबके बीच में एक दीवार थी, उन सबके बीच में एक कस्टम, मतलब कस्टम की छड़ों का जंगला, क्या मतलब कि जो कस्टम है ऑफिसर हैं वे चेकिंग करते हैं, इसलिए वह भी सबसे बड़ा एक जंगला था, मतलब जाल था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, उसके मन में यह आ रहा था। फिर साल भर बाद आए या एक साल से पहले आए ये कोई नहीं जानता, और फिर यह भी हो सकता है कि अब शायद वह कभी भी ना आए। उसकी आंखों में धीरे धीरे नींद की झपकी आने लगी थी, फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आँचल लहराता हुआ दिखाई देने लगा, जिस पर वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए हुए बहुत दिन हो गए, हमारे यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं और हमारा वतन तो जो लाहौर ही है। फिर देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता उस रंगीन अंधेरों में बहती हुई नरम हवा, मेरे चुही मोल श्री की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए इंसान जो सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे कि वे बेजान हो गए। अचानक उसकी आंखें खुल गईं, शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से
एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमी हुई थी। वह नींद में करवटें ले रही थी और किन्नुओं से भरी हुई लबालब उस टोकरी पर नज़र जा पड़ी जो रसीले ठंडे किन्नुओं को देते वक्त उनके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का एक मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी क्योंकि वह वहाँ से अब चल चुकी थी। ठीक है, सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी है। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। यह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। कौन? उसका भाई। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाह जमाए बैठी थी क्योंकि उसमें उसका नमक था। वह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, इधर उधर ये सब लोग जो टहल रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी में नीचे नमक है। इस तरह से ठीक है बेटा, धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में भेजूंगी नेक्स्ट पार्ट इसका।